अक्षय कुमार जी ही रहते थे पहले, बहुत पहले का टाइप है, अब तो सुपरस्टार हो गए तो यहाँ पे उनका आना जाना कभी कम कम होता है। हे गाइस, दिस इज शरीफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ब्लॉग माय स्टाइल। गाइस, आज मैं आया हूँ चांदनी चौक, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, गुरुद्वारा सीसगंज। और बाकी आज फुल टूर कराने वाला हूँ मैं दिल्ली में। सैटरडे संडे जो है वो लॉकडाउन खुल चुका है, क्राउड देख रहे होंगे आप यहाँ पे कितना है। और आज मैं जा रहा हूँ पराठे वाली गली दिल्ली, जहाँ पे अक्षय कुमार का घर है। तो चलो एक बार मैं पूरा फुल टूर कराता हूँ आपको, आज बने रहे मेरे साथ और फुल मस्ती होने वाली है, पूरा क्राउड दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए गाइज। और गाइज, अगर आप दिल्ली में आए तो यहाँ पे मास्क जरूर पहनें, क्योंकि एक पूरी पुलिस की टीम घूम रही है जो चालान काट रही है अगर आप विदाउट मास्क हैं। तो गाइज, चलने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो इस तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलो गाइज, चलते हैं और पूरा एक बार टूर करते हैं चांदनी चौक, और आपको पराठे वाली गली दिखाता हूं मैं, अक्षय कुमार जहां पैदा हुआ है, जहां बड़ा हुआ है। ये गुरुद्वारा सीसगंज है, ये देख रहे होंगे आप इसकी खूबसूरती फ्रंट से। और बहुत लोग आते हैं यहां पे, हमेशा यहां पे बहुत क्राउड रहता है, तो एक बार आप जरूर विजिट करें। ये है पराठे वाली गली, और एंट्रेंस यहाँ से पराठे वाली गली में आप देख रहे होंगे यहाँ से। गाइस, आ गया हूँ मैं पराठे वाली गली, ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद पराठे वाले, जो आप देख रहे होंगे इस पूरी जो कॉलोनी है ये फेमस इन्हीं के नाम से है, पराठे वाले। और इनके काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं पराठे के, कई सारे अलग अलग टाइप के पराठे होते हैं, 150 रुपये का भी पराठा आप पीछे देख रहे होंगे। और हमेशा यहाँ पर इतना ही क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलो बाकी आगे और कुछ घुमाता हूँ, ये पूरी पराठे वाली कॉलोनी आपको मैं घुमाता हूँ। तो आ गए हम पराठे वाली गली में, अक्षय कुमार के घर के पास। चलो चलते हैं और एक बार देखते हैं कहाँ पे उनका घर था और कहाँ उनका बचपन बीता है। चलो ये गली देख रहे हैं, ये पराठे वाली गली का चौराहा है और हमें लेना है राइट साइड की गली में। तो गाइज, ये है सुनसान गली जो जा रही है अक्षय कुमार के घर। देख रहे होंगे पूरी कॉलोनी जो है बहुत शांत है ये। बाकी बताया कि उनके घर के पास एक मंदिर है। चलो चलते हैं, बने रहो वीडियो में। तो गाइज, ये है अक्षय कुमार फिल्म स्टार का घर, ये आप देख रहे होंगे पराठे वाली गली चांदनी चौक में घर है ये। अब यहाँ पे कुछ बाहर के लोग रहते हैं, ये देख रहे होंगे ओल्ड हाउस है, यहीं पे उनका बचपन बीता है, ये देख रहे होंगे आप। और इनके जस्ट घर के सामने एक शॉप है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और बगल में मंदिर है। बाकी अंदर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो रहते हैं वो अलाउड नहीं करते हैं। ये देख रहे होंगे पूरा घर यही है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं पराठे वाली गली में जब आप आओगे चांदनी चौक में, तो किसी से भी पूछ सकते हो अक्षय कुमार साहब का घर। तो गाइज, यही है अक्षय कुमार सुपरस्टार उनका घर, ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी बड़ा है। और उनके जस्ट घर के सामने एक शॉप भी है लहंगे वगैरह की, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको। यह है पूरी पराठे वाली गली और यह है अक्षय कुमार का घर। तो गाइज, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार का घर पराठे वाली गली चांदनी चौक में, देख रहे होंगे आप। और भी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे, और ये देख रहे होंगे आप शॉप भी है इसके सामने और मंदिर भी है बगल में। अगर आप यहाँ नियर बाय हो तो एक बार ज़रूर घूमना, यहीं पे उनका बचपन बीता है, यहीं पले बड़े हुए हैं वो। और ये देख रहे होंगे, बट इस कॉलोनी में बहुत शांत कॉलोनी है ये, क्राउड कम रहता है और अंदर है। और एक बार मैं थोड़ा सा अंदर से भी दिखा सकता, बट अलाउ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर, कुछ फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे। और अभी मैंने पूछा उनके जो मकान में रहते हैं, बट उन्होंने अलाउ नहीं करा अंदर के लिए, अब ये किसी और ने परचेज़ कर लिया, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी एक बार यहाँ पे मैं देखता हूँ, भैया यहीं के हैं तो एक बार इनसे पूछते हैं कि कितने टाइम पहले यहाँ रहते थे और
क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर के लिए? तो क्या नाम है भैया आपका? बंटी नाम भैया मेरा। ओके। और ये अक्षय कुमार जी ही रहते थे पहले, बहुत पहले का टाइप है, अब तो सुपरस्टार हो गए तो यहाँ पे उनका आना जाना कभी कम कम होता है, बाकी किसी और ने शायद रहते हैं, लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनको यहाँ पे। अच्छा। तो काफी अच्छा राहुल के साथ में राहुल जी भी रहने रहा। अच्छा, तो बंटी भाई आपने कभी देखा अक्षय कुमार को यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, एक दो बार देखा मैंने, जब वो कभी आए हैं, जब वो स्टार हुए उसके बाद देखा। अच्छा, उससे पहले तो देखा ही नहीं था, बहुत छोटे थे उस टाइम। चलो थैंक यू भैया बात करने के लिए। थैंक यू। चलो बाकी एक बार मैं फ्रंट से भी दिखाता हूँ और आगे की भी कॉलोनी दिखाता हूँ। तो गाइज ये जस्ट अक्षय कुमार फिल्म स्टार, उनके घर के सामने जस्ट शॉप है ये लहंगे की, ये देख रहे होंगे अच्छे अच्छे डिज़ाइन के लहंगे। अगर आप लहंगे वगैरह भी परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, जब आप इनके घर के तरफ घूमने आओगे पराठे वाली गली चांदनी चौक में, तो यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो गाइज चलो वीडियो यहीं एंड करता हूँ, अगर आप चांदनी चौक आते हैं पराठे वाली गली आते हैं तो ज़रूर अक्षय कुमार के घर जरूर आना, यहाँ पे देखना आप, ये अक्षय कुमार का घर है। और वीडियो यहीं एंड करता हूँ यार, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक नहीं कर रहे हो आप, लाइक जरूर करो और कमेंट जरूर करो अच्छे अच्छे, जिससे मैं यार मोटिवेट होता हूँ। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन आ रहा होगा ऊपर अभी उसे प्रेस कर दो, इस तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो उसके लिए। तो चलो गाइस चलता हूँ, वीडियो यहीं एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें गाइस।